वेरी वार्म वेलकम टू कमल एसोसिएट्स। इस बारी हम आपके लिए क्या है, सेक्टर 56 के अंदर 545 गज ब्यूटीफुल बना हुआ है, ह्यूज पार्किंग, बड़े बड़े कमरे। इस प्रॉपर्टी की बात करूं, बहुत सुंदर बनी हुई है, 550 में 55 का मतलब 55 फ्रंट है इसका। इमेजिन इसकी फ्रंट एलिवेशन देखो, आपको फील आ जाएगा देख के ही दैट दिस हाउस इज मेंट फॉर यू। अब जब आप इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तब समझ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी इसके लिए। पहला, कनेक्टिविटी विद मेट्रो हार्डली 200 to 300 meters, गोल्फ कोर्स रोड से मेन रोड से लोकेटेड अगेन 200 to 300, 55-56 मेट्रो स्टेशन के पास एक ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आपके लेकर आए हैं। बट ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए, देखने के लिए ये पूरी वीडियो जरूर देखना, तो ये प्रॉपर्टी का सौदा आपके लिए है। प्लीज कम, लेट्स हैव अ लुक एट इट, लेट्स स्टार्ट विद पार्किंग। कम, मी एंड माई नॉट इवन गोना शो यू दिस प्रॉपर्टी दिस टाइम। पार्किंग का ये देखो कितना स्पेशियस पार्किंग बनी हुई है, और आराम से अगर 4 फ्लोर भी, आराम से यू कैन मैनेज टू पार्क यार 3 to 4 कार्स इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑन पेपर्स हम आपको पार्किंग भी दे रहे हैं इसके अंदर, और साथ में इतना स्पेशियस है, इतनी ग्रीनरी है, और उस ग्रीनरी का टच हमने अपनी प्रॉपर्टी को बनाते टाइम रखा है। अब पार्किंग क्या देखोगे, ऊपर सीलिंग की देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुली काम करके दी है। वो चीज़ जो आपको पसंद आती है, वो क्लास, वो टेस्ट जो आपको हमेशा पसंद आता है, हर बार हम यही कोशिश करते हैं हम आप तक ये बात लेकर आए, और ये चीज़ उस यहाँ पर भी हमने मेंटेन करी है, जो आपका क्लास, आपके स्टैंडर्ड, आपके टेस्ट को हम यहाँ देखते हैं, समझते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम और आपके लिए प्रॉपर्टीज बनाते हैं और आप तक लेकर आते हैं। बियॉन्ड दैट बहुत बड़ा है, सर्वेंट रूम भी नीचे ही दिए गए हैं, FAR, नए FAR recording, यानी 80% के हिसाब से बना हुआ है, तो बहुत spacious, बहुत ventilation है। गुड़गांव की हर प्रॉपर्टी में एक खास बात होती है कि जब 80% FAR होता है तो फ्रंट में और बैक में हम बैल्कनी देते ही देते हैं। इससे होता क्या, ना लाइटिंग का भी इशू आएगा, ना वेंटिलेशन का कभी आएगा, दोनों एक एसेंस होती है, एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। जब भी हम किसी भी घर में रहें तो हमें धूप तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में हवा भी लगे, ताकि हमें ना घुटन ना हो। तो गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी आप कभी भी लेंगे तो ये चीज तो बाय डिफॉल्ट है, वेंटिलेशन एंड लाइट विल बी देयर। सो दिस इज द पार्किंग, लेट मी शो यू, आई विल रिक्वेस्ट माय कैमरामैन टू शो यू द 360 डिग्री ऑफ दिस पार्किंग एज वेल, तो आप देख पाओ, समझ पाओ कितनी बड़ी पार्किंग और कितना स्पेशियस। कोई गेस्ट भी आ जाए ना तो टेंशन नहीं, गाड़ी अंदर ही पार्क हो जाएगी, बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत अच्छी पार्किंग है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू एंड नॉडी कम, Let's go to the floor, ताकि आप समझ पाए, देख पाए कितनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। वेलकम टू योर होम। घर में घुसते ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहला इंप्रेशन देता है आपका डोर। तो डोर बहुत हेवी लगाया है और बहुत ग्रैंडियर लगाया है, ताकि आपका इंप्रेशन आपके घर में जो आ रहा है उस बंदे बड़े ग्रैंड, बड़े स्टैंडर्ड लोग हैं, दरवाजा देख लुक आती है। बियॉन्ड दैट यहाँ कस्टमाइजेशन का स्कोप छोड़ा है, यानी अब आपने डिसाइड करना है, जब आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपने किस तरीके से उसको अपना पर्सनल टच देना है वो आप दे सकते हो, समझ सकते हैं, और ताकि आपको अपना घर आपका अपना लगे। तो कुछ कस्टमाइजेशन का स्कोप हमेशा हम छोड़ते हैं आपके लिए समझने के लिए। बियॉन्ड दैट जब यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं घर में घुसते ही, दिस इज ए कॉमन एरिया। डाइनिंग एरिया है, अब ब्यूटीफुल एंट्री के साथ एक बड़ा स्पेक्टेकुलर चीज है, सामने ही बिल्कुल इधर है किचन। यानी जब हम किचन की बात करते हैं, कॉमन एरिया किचन का रेलेवेंस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, इस बारे भी बताने से चूकूंगा नहीं, कॉमन एरिया सबसे अच्छा।
सबसे ज्यादा टाइम हम पूरी फैमिली वाले जो होते हैं अपने कॉमन एरिया में स्पेंड करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डिनर के बहाने, लंच के बहाने, ब्रेकफास्ट के बहाने, तो आप डिसाइड कीजिए, पर सबसे ज्यादा टाइम यहाँ स्पेंड होता है। तो इसीलिए कॉमन एरिया बहुत एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी घर का। बियॉन्ड दैट, जब कॉमन एरिया की बात करें, 550 गज की बात करें, तो कॉमन एरिया में एसी लगता है। हैविंग सेड दैट, इसीलिए हमने इस वॉल पे स्कोप रखा, एसी की डक्टिंग करवा के दी है, आप बोलोगे तो एसी लगवा भी देंगे। बियॉन्ड दैट, इसमें एक्सटेंशन दिया है, ये एसी के लिए दे दिया, और ये अगर आप टीवी लगाना चाहें या कोई भी चीज ऐसी इलेक्ट्रिक आइटम जो आप अपने कॉमन एरिया में एक अपना फील देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप कर सकती हैं। बियॉन्ड दैट, ये पर्टिकुलर वॉल में भी आप अपना इमेजिन करो कि कितना सुंदर लगेगा अगर आपकी यहाँ जो इमेजिनेशन है, जो आपका पर्सनल टच है, जो आप दिखाना चाहते हैं अपने गेस्ट को, जैसे आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं वो चीज करें, हर चीज का है। हैविंग सेड दैट, पैनासोनिक का सिक्योरिटी है, यानी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो कॉल भी देखिए कौन आ रहा है आपके घर पे, उसके बाद आपको लगे उसको आने देना है तो परमिशन दीजिए ताकि इंसान घर आए, तो यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ ही घर आ रहा है। सिक्योरिटी इज नॉट गोना बी इशू, बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। तो जब ह्यूज की बात करें, और मुझे ये लिविंग एरिया की बात करें, तो बहुत बड़ा ये भी बना हुआ है, लिविंग एरिया के साथ। यकीन मानिए मैं चलते जा रहा हूँ बीच और लिविंग एरिया खत्म नहीं हो रहा, इतना बड़ा है। शैंडलियर के लिए स्कोप दे दिया है ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकें। आप बोलेंगे आपको तो पता ही कमल इंटीरियर्स के नाम से हमारा काम है, हम आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली इंटीरियर से काम भी करते हैं। आप बोलोगे हम लगा देंगे, आप खुद लगा सकते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से खुद लगा सकते हो। कुछ स्कोप छोड़ा है कस्टमाइजेशन का। बियॉन्ड दैट, वाइट ऑफ वाइट पेंट का काम कर रहा है ताकि हर चीज सूदिंग लगे आपको, हर घर एक घर लगे, तड़कीले भड़कीले घर में मजा नहीं आता, समझ भी नहीं आता। इसीलिए इन चीजों को देखते हुए हम उन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो बेसिक्स हैं, जो हर इंसान को भाए, और मेजोरिटी को यकीन मानना वाइट पसंद आता है। हैविंग सेड दैट, इस पर्टिकुलर वॉल की बात करें तो देखना ध्यान से, यहाँ पे जो ये स्पेस छोड़ा है इस चीज के लिए हो सकता है ये, एनी गेसेस फॉर योर एसी? ACs के यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन में आपका लग जाएगा, और यहाँ आप पूरे एरिया को ठंडा कर सकते हो। इसमें ना डक्टिंग जो है ना वो बाहर वॉल पे नहीं करी, ये इंस्टॉल के लिए सीलिंग एसी लगेगा। मेरे ऑफिस में यानी कमल एसोसिएट्स गुड़गांव ब्रांच में भी ऐसे ही हम लोगों ने करा हुआ है, हर ब्रांच में ऐसा ही काम करते हैं। इतना लुक बहुत क्लासी देता है, बहुत अच्छी लुक देता है, वही लुक जो हम यूज करते हैं वही आपके लिए कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ आप हमेशा फील करते हो हमारे ऑफिस में आके, वाओ, और वही फील हम अपने घर में भी करें। Having said that, balconies तो अटैच होंगी हर रूम के साथ। बालकनी में जाने से पहले इस वॉल को देख लीजिए, पर इमेजिन करो आप इसको क्या बनाना चाहते हैं। ग्रेनाइट का काम करके दे रहे हैं, इसके अंदर हल्का काम नहीं है, अच्छा काम है, ब्लैक ग्रेनाइट लगाया है। Having said that, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अगर मैं होता आपकी जगह, तो मैं तो अपने प्लांट करता कुछ चीजें, वो चीजें दिखाता जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मे बी सम इम्पोर्टेड वाइन, मे बी समथिंग, वट एवर यू वांट टू शो, या ऐसी चीज जो आप अपना रिफ्लेक्ट करना चाहें अपने टच के साथ करें। यकीन मानिए बहुत मजा आता है जब अपने घर को हम डिजाइन करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने घर को आइडलाइज करते हैं समझने के लिए। तो स्कोप आपको दिया है, स्पेस हमने दिया है, सजाना आपने है। बालकनी पार्ट आज एज वेल, बालकनी भी बहुत बड़ी हुई है। This is the balcony. जब balcony की बात करें तो again बहुत बहुत बड़ी है, 55 का front है, 55 foot की बात करें तो बहुत लंबा होता है। और देखो आप भी मेरा कैमरामैन पीछे चलते जा रहा है, और मेरा नॉडी आराम से घूम रहा है। यू कैन इमेजिन, आप देख पा रहे हो कितना डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं चेयर और टेबल लगा के, यहाँ हम बैठ सकते हैं और अपनी शाम की सुस्ती का आनंद ले सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बड़ी बालकनी होना वेंटिलेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं होता और अच्छा रहता है। नाउ वी आर अबाउट टू एंटर द सेकंड रूम। सेकंड रूम में एंटर करने से पहले आपने एक बात नोटिस करी, वो बात नोटिस किया, मेरे ऊपर देखो जरा, और लाइटिंग भी नाम देखो, जो ब्यूटीफुल लाइट के साथ हम लोग आपको दे रहे हैं, बहुत क्लासी लुक देता है फ्रंट के हिसाब से, बहुत अच्छा लुक देता है। और हमेशा आप जैसा टेस्ट पसंद करना चाहते हो, जैसे आपको क्लास समझ आती है वो टेस्ट हमेशा देंगे।
तो उसी क्लास को देखते हुए, आपके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, आपकी प्रेफरेंसेस को देखते हुए हमने इस लाइटिंग का काम यहाँ करा है। बियॉन्ड दैट वेंटिलेशन का भी शो होगा नहीं। नाउ कम लेट मी शो यू योर फर्स्ट रूम। दिल थाम के बैठना, बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत आइडिएशन के लिए आपके रहेगा स्पेस। तो हम एंटर कर रहे हैं अपने फर्स्ट रूम की तरफ। सर फर्स्ट रूम की तरफ कह रहे हैं तो सर ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन आपका सामान रखने के लिए, बहुत सारे अटरम बटन सामान होते हैं जो हमें रखने पड़ते हैं, कहाँ रखें, कैसे रखें। तो यहाँ कबर्ड्स के साथ रखा गया है, आप इसको वर्क स्टेशन टाइप यूज कर सकते हो, आप इसको कैसे भी इमेजिन कर सकते हो, ड्रेसिंग एरिया बना सकते हो। अब तो यार इमेजिनेशन बताओ, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं इसको ड्रेसिंग एरिया बोल के ना ये नहीं बताऊंगा कि कितना बड़ा तो वॉशरूम है। कम लेट्स हैव अ लुक एट द रूम एंड देन वी गो टू वॉशरूम एज़ वेल। बहुत ग्रैंडियोर है। बहुत बड़ा बड़ा है, ह्यूज स्पेस। एंड ट्रस्ट मी, मी एंड माय नॉडी आर एंजॉयिंग दिस प्रॉपर्टी अ लॉट, क्योंकि बनाते टाइम हर चीज को देखते टाइम बड़ा मजा आता है जब हमको आउटपुट निकल गया है। तो आपने करना कुछ नहीं है, अपने मुंह पर फर्नीचर को यहाँ बेड लेकर आना है, सामने आपका टीम मैन हम बता रहे हैं और देखो मैचिंग काम करवाते हैं, यानी जिस ऑफ वाइट कलर में आपका काम आ रहा है उसी से मैच करके हमने दिया और एक वुडन टच दिया कि वुड टच ना सबके साथ चल जाता है। आप कुछ भी लेकर आओ अपने फर्नीचर में तो हर तरीके से मूव हो जाता है और जनरली ये कलर्स आपको पेस्टल जो होते हैं लुक अच्छी देते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्पेस है और हर जगह जो पॉल फिनी का काम है वो एक कॉमन करके दिया, एक कंसेप्ट पे करा। हर एक कंसेप्ट, एक थीम होना हर घर में बहुत जरूरी होता है। ये इस घर का थीम है, जस्ट ऑफ वाइट के साथ सब कुछ ऑफ वाइट और फिर जो टच दे रहे हैं एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं आपका वुड का, वुड कलर, ताकि आपका फर्नीचर, आपकी एसेसरी सब जगह दिख जाए। Now let me show you the washroom. बहुत अच्छी चीज है, इसमें let me show you. Now let me show you your washroom. ये बहुत ग्रैंड है, बहुत बड़ा है और यकीन मानो मेरे लिए नॉडी को इतना मजा आ रहा है, माई नॉडी इवन नॉट लेटिंग मी शूट हियर एंड से कि पहले खेल लेते हैं बाद में करते हैं। Having said that, कितना spectacular काम कर रखा है। See the class, see the category of things that we have used here. Beyond that, modular सब चीज़ें काम हैं। Wardrobe दिए हैं ताकि आप अपना सामान जो भी आप रखना चाहो वहाँ रख सकते हैं। सब कुछ मॉडल है, अच्छा रहेगा। उसमें huge space, huge space की बात करें तो अभी तक आप देख रहे हो this is your bathing area, that's your another area altogether. जब हम उस एरिया की बात करें, इतना बड़ा है, इतना spacious है कि literally मनाडियर में भाग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इमेजिन कितना ह्यूज आ रहा चीज। बियॉन्ड दैट, इस सेक्शन में हमने आपको कबर्ड दिए और कबर्ड में ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी अच्छी, इसमें कुछ अच्छा है, कुछ नया है। आप ये देखो लॉन्ग, यानी वो मेरे लोग जो लंबी लंबी ड्रेसेस डालते हैं या डालती हैं वो फीमेल लोग जिनकी ड्रेसेस ख़राब हो जाती हैं, उसका प्रोविजन यहाँ दिया। यानी अगर आपको कोई लंबी ड्रेस भी आ रही है, कोई गाउन आ रहा है, बस आप तीसरी टांग सकते समझ सकते हो। बियॉन्ड दैट मेल्स को भूले नहीं है, मेल्स के लिए भी हमने यहाँ पर वो चीज़ें बनाई हुई हैं और सारा वार्डरोब तैयार करा है, यानी सेपरेट वार्डरोब के साथ, बहुत स्पेशियस वार्डरोब के साथ सारा काम करा है। हर चीज़ का ध्यान रखा है, करते रहें और ना वॉल्स पे ध्यान देते हैं, ब्लैक ग्रेनाइट का काम। तब इमेजिन करते हो इतनी शिद्दत से, कितने अरमानों से एक एक चीज़ को सोच के समझ के हमने काम करके बनाया है ताकि हम आप तक वो चीज़ समझा सके। फ्लोरिंग की बात करें, फ्लोरिंग को मैचिंग उसी कलर में दिया, एक सहल लुक दे, एक क्लासी लुक दे, एक अच्छी लुक दे, उस लुक के साथ हम ये काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड टू अदर सेक्शन ऑफ द हाउस एज वेल। यकीन मानना बड़ा ही मज़ा आता है, ऐसे बड़े बड़े प्रॉपर्टीज जब बनाए हैं हम आप तक आपकी चीज़ लेकर आए तो अच्छा फील भी रहता है हर चीज़ को लेकर। ये वाला आपका क्या है, ये एसी डक्टिंग, एसी डक्टिंग के साथ भी कर रखे हैं। ह्यूज स्पेस, सेपरेट एरिया जिसको ड्रेसिंग एरिया बना सकते हो या किसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, वो आपने इमेजिन करना है, वो आपकी इमेजिनेशन छोड़ रहे हैं। जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सो वी आर नाउ एंटरिंग अगेन इन द कॉमन एरिया। तो इस घर के नक्शे को हम समझते हैं एक बार आके, हम घर से एंटर करते हैं उस तरफ से, सामने आते हैं, दिस इज ह्यूज कॉमन एरिया। मेरे इस तरफ यानी उस आपकी इस तरफ, उस तरफ है आपका लिविंग एरिया, इस तरफ है आपका रूम। इसको अगर आप बाइसेकेट करके सोचना चाहें तो आप देखें, फर्स्ट बेडरूम, दिस इज योर सेकंड बेडरूम,
इस तरफ किचन है और किचन के लेफ्ट एंड राइट में इज योर थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम। तो इस तरीके से ये प्लान कर रखा है बहुत अच्छे से। फर्स्ट बेडरूम से निकले हैं और सेकंड बेडरूम की तरफ मूव करते हैं। सेकंड बेडरूम की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक चीज तो कॉमन रखी इसके अंदर, क्या? सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, 545 स्क्वायर यार्ड में, सेक्टर 56 में। खुदा की प्लॉटिंग में ये एक स्पेक्टेकुलर चीज लेकर आया है और अभी मूव कर रहा हूँ। देखो बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। मैंने गेस्ट रूम किसी को नहीं बोला अभी तक कि आप इसको गेस्ट रूम बनाओ। मैं खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको गेस्ट रखें। तो हमने हर चीज को एक ग्रैंडियर लुक देकर बनाया और ताकि आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग योर मूवेबल फर्नीचर, योर बेडशीट और व्हाटएवर यू लाइक टू प्लॉट। ये इस एरिया को स्पेस दिया आपने, देखिए हमने पहले पहले रूम में रूम में एक बहुत बड़ी स्पेस दी है। ये स्पेस जो है आप अपना सामान रखने के लिए आइडिया के लिए रख सकते हैं। वार्डरोब नहीं बनाएंगे क्योंकि वार्डरोब तो हम लोग वॉशरूम के अंदर दे रहे हैं आपके सामान को रखने के लिए, संभालने के लिए। बियॉन्ड दैट इस प्रॉपर्टी के अंदर पता सबसे चीज का है, इसकी बड़ी बालकनी। यकीन मानो इसके बाद भी, ये सेकेंड बेडरूम है भी आपका, इसके साथ भी ये बड़ी ह्यूज बालकनी हमने आपको दी है। ह्यूज बालकनी में यू कैन थिंक ये एसी के आउटपुट का एरिया जी, तो जरा कंफ्यूज मत होना, ये एसी के आउटपुट हैं। ये ह्यूज एरिया दिया हुआ है जिस तरह से पूरा अटैच रखा है, फील लाइक एक कॉर्नर प्रॉपर्टी का फील दिया, हर तरीके से कनेक्टेड जा रहा है। और ये कि मानो मेरा और मेरा नोटी तो आगे के घूम रहे हैं, ही इज एंजॉइंग द प्रॉपर्टी, ही इज एंजॉइंग व्हाट वी हैव मेड फॉर यू, व्हाट वी आर ब्रिंगिंग दिस टाइम फॉर यू। तो हर जगह वेंटिलेशन का ध्यान है, इसीलिए हर रूम के साथ वेंटिलेशन रहेगा। सेकेंड बेडरूम से निकल के आए, अटैच बालकनी के साथ पूरा एल शेप में बालकनी, ताकि आपके हर बेडरूम के साथ का फील रहे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो जो फर्स्ट बेडरूम दिखाया था, अगर आप उसको गेस्ट रूम बनाना चाहें तो आपके प्राइवेट 3 फैमिली रूम हैं जो इंटरकनेक्टेड है फैमिली के साथ। आपको डिसाइड करना है किसको गेस्ट रूम बनाना है, कैसे करना है। लेट मी शो यू योर थर्ड बेडरूम नाउ, कम। Now we're entering your third bedroom. Third bedroom is also huge enough to accommodate a lot of people. Trust me. अब आपको डिसाइड करना है कि टीम फैमिली के साथ अब यहाँ फर्नीचर रख के कुछ करना चाहते हो, अपने सर्टिफिकेट प्लान करना चाहते हो, किस तरीके से आइडिएट करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू, वी विल नॉट डू दैट। और इसके अंदर हमने एक और चीज करी, अगर आप इसे गेस्ट रूम की तरह यूज करना चाहते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वार्डरोब उसके यहाँ पर है, सब कुछ वाइट वाइट है। आपको आई एम नॉट श्योर कि आप कैमरा पे कितना अच्छा देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, तो ये बायोफिकेट करने के लिए दे दिया। यानी हर चीज में जब भी आप फर्नीचर का काम करते हैं, हम कोई काम करते हैं आपके लिए, तो चीज लगाना एक बात होती है, उसकी फिनिशिंग अलग बात होती है। तो जब भी आप फिनिशिंग को चेक करना कितनी स्मूथ फिनिशिंग का हम सारा काम कर रहे हैं, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ वर्क वी हैव डन फॉर यू एंड वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू। सो आप कभी भी कहीं भी किसी प्रॉपर्टी में जाओ हमारी, तो जरूर देखना किस फिनिशिंग के साथ कितनी स्मूथनेस के साथ हम काम करते हैं, कि स्मूथनेस दिखाता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी हैव यूज्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर यू, so that we can bring your dream home to you। हर बारी एक चीज तो बोलते हैं कि वेंटिलेशन लाइटिंग का इशू नहीं है, तो इसलिए हर बेडरूम के साथ ना लाइटिंग का इशू रहेगा और ना वेंटिलेशन का इशू रहेगा। तो इसका भी अटैच वॉशरूम यहाँ पर है, हर रूम के साथ अटैच वॉशरूम है। Let me show you the washroom as well. Come cameraman, let's have a look at that. इस बेडरूम से निकल के हम दोबारा एंटर कर रहे हैं, ये एक कॉमन एरिया रखा, इसको स्पेशल जितना रखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। पता है कि आगे यहाँ पे कॉमन एरिया है ही आपका। कॉमन एरिया के साथ अब मैं अगले बेडरूम से जाने से पहले मैं आपको किचन दिखाऊंगा,
ह्यूज ह्यूज ह्यूज। जैसे विद्यावरण बोलती है मूवी तीन फैक्टर चलाते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और हम लोग कमल एसोसिएट से बोलते हैं कि जो भी चीजें होती हैं वो चलाता है, जो भी प्रॉपर्टी को मूव करता है वो चलाता है इंटीरियर्स इंटीरियर्स इंटीरियर्स। इसीलिए हाफ लेके प्रोडक्ट्स आपके लगाए हैं, बहुत ब्रांडेड होते हैं, जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज है उनको पता रहेगा कि ये सबसे प्रीमियम कैटेगरी की चिमनीज होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं जो हम यूज करते हैं, इसलिए ताकि आपका स्टैंडर्ड, आपकी क्वालिटी, आपकी लाइफ, जो आपके टेस्ट हैं, जो आपके प्रेफरेंसेस हैं, अपने घर में ऐसा होना चाहिए वो लेके आए। बियॉन्ड दैट ये जो स्पेस है वो आपके डोर पर छोड़ा, देखना इसके अंदर हमने जो स्पेस छोड़ा है फ्रिज के लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं या हमें पता है अगली चीज कि जो 550 गज में घर रखेगा वो डबल डोर नहीं 4 डोर फ्रिज रखेगा। तो 4 डोर फ्रिज का स्पेस दिया है ताकि आप अपने फ्रिज को रख सको, है तो ठीक है, नहीं तो हम ला देंगे। आपने सिर्फ करना क्या है, आपने इस प्रॉपर्टी में विजिट करना है और अपने लाइफ को, अपनी आने वाली लाइफ जो आने वाली है, अपने इस ह्यूज ब्यूटीफुल महल को इमेजिन करना है। पैंट्री का काम भी इसके अंदर रहता है, तो आपको पैंट्री के प्रोविजन के साथ, माइक्रोवेव के प्रोविजन के साथ, ओवन के प्रोविजन के साथ, अ लॉट ऑफ स्टोरेज, बहुत सारी चीजें होती हैं किचन में रखने वाली जो हम लोग को रखनी तो होती हैं पर दिखानी नहीं होती सबको, तो इसीलिए हर चीज के स्टोरेज का प्रोविजन यहाँ किया गया है। और बहुत अच्छे से देखो, यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वर्क वी हैव डन फॉर यू। और यस अगेन, अप्लायंसेस में कंजूसी नहीं है, मॉडुलर किचन में कोई कंजूसी नहीं है, मैं हर चीज दिखा रहा हूँ, देखते जा रही चीज आपको, यहाँ कितनी बड़ी किचन है, मूव करते जा रहे करते जा रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यानी एक बारी में कम से कम 7-8 लोग आराम से बैठ के कुक कर सकते हैं। वन एरिया कैन बी कुकिंग चॉपिंग एंड वॉशिंग एरिया, वहाँ पे चॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ वॉश कर सकते हैं, यहाँ कुक कर सकते हैं, यहाँ और ट्रेडिशनल काम है वो कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी किसी कुछ कर रहा हो तो एक इधर से कोई कुक कर रहा है, कोई उधर खड़े होकर बात कर रहा है, तो यानी अड़ते नहीं है। एक बार में 4 लोग खड़े होकर काम कर सकते हैं। इन दिस ब्यूटिफुल वे वी हैव डिजाइन दिस किचन फॉर यू, ओनली फॉर यू। बट आपको आना पड़ेगा, मेरी आंखों से भी आप देख रहे हो, इन कैमरा से भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, बट जब खुद आओगे ना, यू फील लाइक दिस इज होम, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, एंड जन्नत इज हियर एंड हियर एंड ओनली हियर। बियॉन्ड दैट, अब आपका 4th बेडरूम रह गया था, तो मैं 4th बेडरूम की तरफ चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, वो भी अच्छा नाम कर रखा है, आप लोगों ने सब समझाया है। जब हम 4th बेडरूम की बात करें तो ऊपर देखने की बजाय पहले नीचे देखना, हमने यहाँ पे स्कोप छोड़ दिया। अब आप डिसाइड करो, आपको इसमें टाइलिंग का वर्क कराना है, कुछ इटालियन मार्बल कराना है, कुछ वुडन फ्लोरिंग करानी है, दैट इज अप टू यू, हम आपको करवा के देंगे, जो आपको चूज करना, आप यू ऑप्ट व्हाट एवर यू फील लाइक। कहीं तो कस्टमाइजेशन को आपके लिए रखें, घर को आपका ही, हमने तो बनाया है इस मकान को, घर तो आप बनाएंगे, तो इसीलिए वही ऑफ वाइट का काम पूरा करा है, और सेम पैनल पे जो काम कर रहे हैं वही ऑफ वाइट का काम, साथ में वुडन का काम करके, और नीचे स्पेस दिया है बहुत सारा स्टोरेज के लिए, अगर आपको करना चाहें। वार्डरोब भी हैं और बड़ी स्पेक्टाकुलर वार्डरोब बनाई है इसके अंदर। जब हम वार्डरोब की बात करते हैं और वेंटिलेशन, देखो कितना बड़ा रूम है, हैव अ लुक एट इट, सी हाउ बिग इज दिस रूम, बहुत बड़ा है यकीन मानो। और हाँ, प्रॉपर्टी विजिट करने से पहले अगर आपको लेआउट चाहिए इसका, हम आपको लेआउट देंगे, यू विल बी एबल टू रिलेट कितने बड़े बड़े रूम्स हैं, कितने वेंटिलेटेड रूम हैं। कम वार्डरोब देखो, इसके अंदर का स्पेशल रखा आपके लिए, आपके टेस्ट के हिसाब से, यहाँ हम लोगों ने मिरर के वार्डरोब रखे हैं, ताकि आप जो रख रहे हैं, संधार रखना चाह रहे हैं आपके अंदर, वो देख पाए, समझ पाए। और आपको पता हो यार, कभी कभी होता क्या है कि हम ना कपड़े रखे भूल जाते हैं,
यार कहाँ रखा थी यार वो टी शर्ट, कहाँ रखी थी वो जीन्स, वो मिलती नहीं है जो हमें चाहिए होती है। तो आपको बिना अपनी अलमीरा खराब करे तो आप यहाँ ढूंढ सकते हो, देख सकते हो क्या है। कैसे कैसे रखा हुआ है, कोई नहीं, आज इतने बड़े महल में जब रहते हैं तो मेड्स आर फॉर दैट ओनली, आर हाउस कीपिंग आर फॉर दैट ओनली, ताकि हम समझ पाए। तो सेक्शंस के साथ भी काम करा है, और इधर हम लोगों ने पूरा लॉन्ग रखा है, डाउन से ही रखेंगे तो फ्रंट करने दिखाने समझाने। अब आप मुझे बताओ इन 4 बेडरूम में कौन से वाले को, बेडरूम 1, 2, 3 या 4 में से मास्टर बेडरूम किसको बनाओगे? मैं तो होता आपकी जगह तो मैं 4th को देखता, कस्टमाइजेशन देखता, क्योंकि मुझे यहाँ फ्रंट करने को बहुत मजा आना, पर्सनली लव टू फ्रंट। बियॉन्ड दैट इस वार्डरोब के साथ हम लोगों ने मिरर रखे, लॉन्ग मिरर रखे और हर जगह हर वॉशरूम में रखे। आई लाइक टू सी माई सेल्फ पूरे तरीके से टिप टू टो कि मैं क्या रेडी हुए हैं, कैसे हुए, तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए। और ये जो है ना मल्टी यूसेज जगह, इसके पीछे आपका वार्डरोब है ताकि आपकी यूटिलाइजेशन स्पेस अच्छे से रहे, और आगे इसके मिरर लगा दिया है ताकि हर चीज़ रहे। नाउ लुक एट द वॉशरूम, जो काम होता है ना, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, प्लस ये तो बताए इसके आउटर स्ट्रक्चर थी, इनर की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए नेटिंग का काम करके दिए हैं ताकि अगर आप सिर्फ मच्छर नहीं चाहते, खोलना चाहते हो तो नेट का काम होता है। बियॉन्ड दैट ये मिरर ना आपको क्या लुक देता है कि हर टाइम एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके रूम में लाइटिंग रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस करने के लिए। फायर रेजिस्टेंस मोर ड्यूरेबल देन एनीथिंग ऑन दिस टू बी यूज्ड हियर इन दिस प्रॉपर्टी। बियॉन्ड दैट बालकनी तो बड़ी है ही, कम लेट मी शो यू द बालकनी पार्ट। और ये जो बैक साइड ऑफ द बालकनी है, इसके अंदर ना हम लोगों ने एक और चीज रखी है जो इंटरकनेक्टेड बालकनी थी। ये वही इंटरकनेक्टेड बालकनी है जो पीछे से शुरू हो रही थी, बिल्कुल पीछे से। देखो मेरा कैमरामैन पीछे जाते जा रहा है, बस वहीं पे जहाँ भी आप खड़े हो वो है आपका वॉशिंग एरिया। तो टैप्स भी उधर ही दिए गए हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ताकि आपका वॉशिंग एरिया रहे। और ये बैक साइड में सब चीज़ें दी हैं ताकि आपके घर में जो करें। और ये इंटरकनेक्टेड बालकनी है, यानी आप देखो उस बालकनी के अंदर एक बेडरूम घेरा, ये इस तरफ से बैक साइड तो किचन घेरा, अगला एक और बेडरूम घेरा, आगे इंटरकनेक्टेड जो बालकनी एल शेप है उसके एक और घेरा, यानी पूरा घर बताते बताते ट्रस्ट मी मैं तो थक गया। अब आपने नहीं थकना, आपने सिर्फ आना है यहाँ पे, देखना है इस प्रॉपर्टी को और इस घर को अपना बनाना है। आपने करना कुछ नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करना है ताकि हम आप तक एक विजिट अरेंज कराएं आपकी इस प्रॉपर्टी की। बहुत इंपॉर्टेंट है विजिट, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में, वो आप देखो, अभी मेरी नज़रों से देखा है, अब अपनी नज़रों से देखो और ज़रूर विजिट करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि आपके ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को बहुत इंकरेज करती है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए, आप तक प्रॉपर्टी लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।